वेडिंग इनविटेशन आने के बाद हमारी पूरी प्लानिंग हो जाती है, क्या पहनना है, कैसा मेकअप करना है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा मेकअप जो हर कलर के साथ, हर कलर की आउटफिट के साथ इजीली जाएगा। यहाँ पे मैं रेड साड़ी के ऊपर मेकअप करके दिखा रही हूँ एंड ये लुक इतना ज़्यादा प्रिटी हुआ है, कैन यू सी। सो आई एम श्री एंड यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईजीएस्ट एट लाउड वेडिंग गेस्ट मेकअप। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मेकअप करने से पहले रिमेंबर, आपका स्किन केयर अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पूरा मेकअप लुक डिपेंड करता है कैसे आपने अपनी स्किन को प्रेप करा है। सो मेरे स्किन केयर के बाद मैंने अप्लाई करा था कलर बार का प्राइमर। कलर बार का प्राइमर ये मेरी स्किन को स्मूथ बनाएगा, एट द सेम टाइम मेरी जो टेक्स्चर है, मेरे पोर्स हैं, उन्हें ये ब्लर करेगा एंड ये मैट फिनिश भी ये देता है। ओके सो मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, नेक पर भी मैं अप्लाई करके ब्लेंड कर रही हूँ। और प्राइमर अप्लाई करने के बाद आपको 1 to 2 मिनट वेट करना है ताकि ये आपकी स्किन पे अच्छे से सेट हो जाए। ओके देन मैं कंसील कर रही हूँ एक डार्कर कंसीलर से। मैंने लिया था इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट और यहाँ पे मेरे लुक देखो, मैं कंफ्यूज थी। ओके सो अनड्राई डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन को मैं कंसील कर रही हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फुल कवरेज वाला फाउंडेशन। ये शुगर का फाउंडेशन है, बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी का आपको अप्लाई करना है। देन आपको उसे ब्लेंड करना है इवनली विद अ डैम्प स्पंज और विद योर ब्रश और विद योर फिंगर टिप्स। आप जिससे भी ब्लेंड करना है करो, बट डैब डैब करना है, बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बिना फिल्टर के दिखा रही हूँ, मेरे स्किन पे अभी बहुत सारे आंकने हैं, फिर भी आप देख रहे हो बिल्कुल भी केकी नहीं है, कहीं पर भी पैची मेकअप नहीं हुआ है। फेशियल को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर कर रही हूँ, वही इनसाइड पैलेट से ही मैंने लिया था क्रीम कॉन्टोर। मैं अपनी नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ, जॉ लाइन को, देखो जॉ लाइन के नीचे हमारी होती है डबल चिन, तो आपको डबल चिन को हाइड करना होता है, जॉ लाइन को नहीं। सो आपको जॉ लाइन पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है क्रीम कॉन्टोर की, आपको डबल चिन पे ही क्रीम कॉन्टोर अप्लाई करो एंड उसे ब्लेंड करो ताकि वहाँ पे एक शेडो क्रिएट हो जाए एंड आपका जॉ लाइन एकदम शार्प लगे, शार्प एंड क्लीन लगे, लाइक दिस। ओके सो फिर मैंने वही डैम्प स्पंज की हेल्प से मैंने अपने क्रीम कॉन्टोर को भी ब्लेंड करा है। बहुत ही हार्श तरीके से आपको ब्लेंड नहीं करना है, आपको सिंपली जेंटली तरीके से डैब डैब करके ब्लेंड करना है एंड दिस ऑल। सो क्रीम ब्लश इसलिए ताकि हमारा जो पाउडर ब्लश है ना वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। क्रीम ब्लश या लिक्विड ब्लश पहले अगर आप अप्लाई करते हो तो ना आपका ब्लश बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, फेड वो नहीं होता है। सो यहाँ पे मैंने शुगर का ब्लश अप्लाई करा, क्रीम ब्लश, एंड उसे ब्लेंड करा नोज़ पे एंड चिन पे। अप्लाई करने से एक नेचुरल सा फ्लशी लुक आ जाता है। फिर मैं आईब्रो को डिफाइन कर रही हूँ, बहुत लाइटली मैं फील कर रही हूँ शुगर आईब्रो डिफाइनर से। ये बहुत ही ना सिंपल सा सटल सा लुक है, बहुत लोगों को पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करना। सो ये मेकअप लुक उनके लिए है जिन्हें रेड साड़ी पहनना है और उसके साथ एक मेकअप लुक करना है। आप चाहो तो ये सारे स्टेप्स को भी आप अवॉइड कर सकते हो, सिंपली आप बीबी या सीसी क्रीम के साथ अपना बेस कंप्लीट कर सकते हो, ब्लश अप्लाई कर सकते हो, देना हाइलाइटर एंड ये आई मेकअप एंड योर न्यू लिप शेड एंड यू आर गुड टू गो। बट ये मैं पूरा कंप्लीट कर रही हूँ विथ माई फाउंडेशन कंसीलर, क्योंकि लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको अप्लाई करना है देन आपको इसी तरह अप्लाई करना है, इट्स सिंपल। सो देन मैंने आई बेस क्रिएट करा यूजिंग शुगर कंसीलर। अगेन मैं अंडर आई एरिया को ब्राइटन कर रही हूँ, सी अंडर आई एरिया पर भी बिल्कुल भी पैच नहीं पड़ा। सो स्किन केयर ना एक आपकी मेकअप की जो गेम होती है ना, स्किन केयर उसे चेंज करती है। जितना अच्छा आपका स्किन केयर होगा, स्किन आपका प्रेप होगा, उतना अच्छा आपका मेकअप का जो फिनिश है वो आएगा।
सो फोरहेड पे, नोज पे, चिन पे कंसीलर अप्लाई करके उस एरिया को हाईलाइट करना होता है, तो वहाँ पे अप्लाई करके ब्रेन में ने कर लिया। अब मैं पाउडर से सेट कर रही हूँ। आप चाहो तो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए आप लूज़ पाउडर या ट्रांसलूशेंट पाउडर से भी सेट कर सकते हो, बट यहाँ पर मैंने मेबेलिन फिट मी कॉम्पैक्ट से सेट करा है। देन मैंने ब्रॉन्जर अप्लाई करा है जहाँ पर भी मैंने क्रीम कॉन्टोर अप्लाई करा था। आप चाहो ना तो क्रीम कॉन्टोर को आप स्किप कर सकते हो, बस आप पाउडर ब्रॉन्जर ही अप्लाई कर सकते हो। सो यहाँ पे पाउडर ब्रॉन्जर मैंने अप्लाई करा है। नोज़ पे जो ब्रॉन्जर मैंने अप्लाई करा है उसे मैंने स्मूथ करा है, सॉफ्टन करा है ब्लेंडिंग करके ब्यूटी ब्लेंडर से। फिर मैंने अप्लाई करा है ब्लश, ओवर माई क्रीम ब्लश। ओके, देन मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। इस अब बॉम्ब हाइलाइटर, ग्लो इसका बहुत ज़्यादा मस्त है। ये है टिप्सी ब्यूटी का हाइलाइटर। मेरे स्किन पे अभी बहुत ज़्यादा आंकने हैं, सो जहाँ पर भी मुझे आंकने हैं मेरी हाइस्ट पॉइंट्स पे, वहाँ पर मैं हाइलाइटर अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि वो उसे पॉप कर देगा। तो मैं बहुत कम हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसे पहले मैं ब्लेंड कर रही हूँ, स्मूथ कर रही हूँ विथ माई ब्यूटी ब्लेंडर लाइक दिस। मर्ज हो जाता है पूरा मेकअप के साथ, तो बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है। फिर मैं ELF का सेटिंग मिस्ट अप्लाई कर रही हूँ। ये मैट सेटिंग मिस्ट है। पूरा फेस पे अप्लाई करने के बाद मैंने इसे ड्राई करा। देन मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। ये जो न्यू लिप शेड आपने देखा ना, मैंने उसका कॉम्बो लिया था। ये ब्लू हेवन का पाउडर मैट लिपस्टिक शेड आपको दिख गया। इससे पहले मैंने अप्लाई करा एक लाइन देने के लिए लिप की आउटर सेक्शन को। ओके, देन मैंने ये इनसाइड का मैट लिप कलर अप्लाई करा। ये प्रॉपर लाइक न्यूड शेड है। ओके, इसी को मैंने टॉप कर दिया एंड सी द रिजल्ट। अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है हैवी लिप कलर लाइक बोल्ड रेड और रेड काइंड ऑफ लिप कलर, देन आप न्यूड ऐसे अप्लाई कर सकते हो। देन फॉर आई मेकअप, ये आई मेकअप सिंपल है बट बोल्ड है। ओके, सो मैंने लिया था मेकअप रिवोल्यूशन का ये मोनिका शेडो पैलेट। इसी से पहले मैंने अप्लाई करा बेंग शेड को ट्रांजिशन एरिया पे। देन मैंने गेलर कप था ये शेड, थोड़ा सा रेड शेड था, इसी को अप्लाई करा अगेन ट्रांजिशन एरिया पे एंड आउट ऑफ वी ट्रांजिशन एरिया क्रीज लाइन पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पूरे लिड पे आप अच्छे से ब्लेंड कर दो। देन मैंने काजल अप्लाई करा है आज माई थिक आई लाइनर के ब्यूटी का काजल था ये। काजल अप्लाई करने के बाद मैंने उसे स्मश करा है इन वॉर्ड लाइक दिस। ओके, सो इस काइंड ऑफ अ सॉफ्ट स्मोकी आई। फिर मैं इसे फ्रीजी शेड के साथ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इज अ टैन शेड, फ्रीजी इज अ टैन शेड। अप्लाई करने के बाद सारे शेड्स को मैंने मर्ज करा अगेन विद अ फ्लफी ब्रश एंड मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने फॉल्स आईलैशेस अप्लाई नहीं करा क्योंकि मुझे लगा, मतलब आप देखो मस्कारा मैंने अप्लाई करा, सी द रिजल्ट कितना अच्छा वॉल्यूम इसने दे दिया है। ये NYBA का आई लव मस्कारा है, तो मुझे नहीं लगा इसके साथ मैं फॉल्स आईलैशेस अप्लाई करूं। ओके, सो फिर लोअर लैश के लिए मैंने वही गेलर कप शेड को स्मश कर दिया है एंड दस ऑल। मस्कारा अप्लाई करा लोअर लैशेस पे एंड दस ऑल। मैंने इनसाइड का लूज पाउडर थोड़ा सा अंडराई एरिया पे अप्लाई करा था ताकि थोड़ा बहुत जो फॉल आउट हो वो वहीं पे रुक जाए और बेस मेरा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। फिर मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करा, ब्राउ बोन को हाईलाइट करा एंड आपका रेड साड़ी लुक इज रेडी नाउ। अब आप मुझे बताओगे आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। अगर पसंद आया है ना देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वन। मैं आपको मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।